नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अभी यूपी पीसीएस का जो फर्स्ट पेपर हुआ है डीएस का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पेपर किस तरीके का था और क्वेश्चन किस तरीके के आए थे और कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं फटाफट, और रोड पे खड़े हैं वहीं पे हमने बनाना शुरू कर दिया आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है कि जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए तब तक आप ना खोलें। ठीक है, जब तक आपके जो क्लास में टीचर होंगे वो ना बोलें तब तक आप ना खोलें। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि आपके नंबर काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें थी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आए थे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो दोस्तों इसमें दोनों में आते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पे इंग्लिश का दिया गया है और फिर हिंदी में दिया गया है, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे। हवा यहाँ पे चल रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम 7 तक यहाँ पे आ गए हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका आप देखिए, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। और हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आप साथ के साथ टोटल भी काउंट करते जाइएगा और कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21, और उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में है तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 25 तक आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही पे टिक करना था। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने कहा कि उनका अच्छा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले इंग्लिश का और फिर हिंदी का दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन का आपको तरीका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, यानी कि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएँ और अच्छी तरीके से कर पाएँ। यहाँ हवा चल रही है और दोस्तों हम एक होटल में हैं जहाँ अभी हमने खाना भी नहीं खाया, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 38 है, और गाड़ियों का शोर भी आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे। यहाँ पे कोड दिए गए हैं, यानी कि ये आंसर आपको बताना था इनमें कौन सा था। फिर आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इंग्लिश में दिया गया है, उसके बाद में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 आप देख सकते हैं, फिर 50 और फिर 51 52 53, और यहाँ पर आ जाता है आपका 54। उसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 55 और 56 और 57। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 58 क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे 59 60 और 61 62 63 64, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके के थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे और क्वेश्चन का जो तरीका है वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन थे। जब आप तैयारी करके जाएंगे अगली बार, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे, अगर आप पहली बार बैठेंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट इसे ध्यान से देखेगा उसको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धूप भी आ रही है इस टेबल पे, क्योंकि ये होटल वालों की टेबल है भाई, रोड के साइड रखी हुई है, और शोर शराबा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 86 87 88, ठीक है, 89, और यहाँ पर उसका हिंदी में जो ट्रांसलेट है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके के क्वेश्चन ये थे। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 91 92 93 94, और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये 90 जो है इंग्लिश में यहाँ था, कन्वर्ट करके इसे हिंदी में लिखा गया है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अच्छा कर पाएँ। हम अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
आप देख सकते हैं इसको, ये 96 क्वेश्चन नंबर है और इधर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, इधर इंग्लिश में है। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे तो शायद आपका अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन का भी ध्यान रखिए आप, मैंने बताया था आपको कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने टोटल क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था बताइए कि कितने टोटल क्वेश्चन थे। हम क्वेश्चन नंबर 106 पर पहुंच चुके हैं, बाद में 107 यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों कुछ शोर शराबा आ रहा हुआ आस पड़ोस से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ दुकान है, तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सामना करना पड़ सकता है शोर शराबा का। क्वेश्चन नंबर 108, 109, 110 ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, और 112 यहाँ पे है। उसके बाद में 113 और 114, 115, 116 इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, 117, 118, 119 और 120। हिंदी में भी इनका ट्रांसलेट यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। मैंने आपको यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, ताकि आपको दिखे। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 121, 122। क्वेश्चन का तरीका आप ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये ही आपको जो है आगे ले जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका स्कोर अच्छा बनेगा। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन का तरीका पता होगा तो ही हम क्वेश्चन नंबर 131 पर आ गए हैं। और आगे चलते हैं अब, और आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 132, 133, 144, 155, 166। और हिंदी में भी आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, 137, 138, 139, 140 और 41, 42, ठीक है। और हिंदी का आप साथ के साथ ज़रूर देखते रहिए। ये पूरा क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ हम आ जाते हैं 147, 148 और उसके बाद में 149 और 150, ठीक है। और ये शायद क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज है, तो आप क्वेश्चन ढंग से अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद में हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है रफ़ कार्य के लिए, अगर आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है या कुछ आपको लिख के देखना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पेपर होता है और यहाँ पे इसका हो जाता है क्वेश्चन पेपर का एंड। आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।